डियर बॉयज, किसी महिला को इतना मैसेज भी मत किया करो कि वो खुद को करीना और तुमको कमीना समझने लगे। ना गांव में तुमसे बात करने आई हूँ और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मेरा 2 बजे रात तक फोन कहाँ बिजी रहता है। कहा ये बात मैं तुमको पहले नहीं बताई थी कि मैं 2 बजे रात तक बुआ मौसी जिज्जी से बात करती हूँ, और जब तुमको इसमें भी शक है तो तुम मुझे छोड़ दो। इसीलिए मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की फेरे में पढ़ना ही नहीं चाहती थी, पर तुम मेरी बेटू मेरी बाबू सोना मोना बेबी, मैं तुमको आईफोन 15 दूंगा, लेकिन जिस तरह का तुम्हारा बिजनेस है ठेला में केला बेचते हो। यार मेरे साथ मार्केट चलो। क्या करना है मार्केट? चप्पल लेनी है। 10 दिन पहले वो चप्पल लेके दिए, घिस गई वो। और तुझे 20 बार बोला है स्कूटी पैरों से मत रोका कर, इतना तेल का खर्चा नहीं जितना तेरी चप्पलों का हो रहा है। सुना है? हाँ? करवा चौथ आना है, एक सूट दुआ दे। कोई ना, ले लिए। पूरे 5000 का आओगा? ले लिए तू। और मेकअप का सामान भी आओगा 2000 का? कोई ना, वो भी ले लिए। और हाँ, कड़ेर के लगूठी भी दुआ दिए। भगवान तू एक काम करिए, 1000 रुपये मन नहीं दे दिए, मैं भर्ती रह लूंगा। यो तारा करवा चौथ नहीं, ओड मोटा चौथ हो गया, बटे हुआ पादरवा दो समय। इंसान सॉरी बोले तो लड़ाई खत्म, और डॉक्टर सॉरी बोले तो इंसान। लो बुखार की गोली। ना मेरे बुखार ना है। लो तो लो, सर दर्द की ले लो। ना मेरे सर दर्द भी ना है। हाथ पैर तो दुख रही होगा, झंडू बाम की मालिश कर लो। पागल है कि मेरे को कुछ भी ना हो रहे हो, मैं बिल्कुल सही हूँ। पक्का? हाँ पक्का, बिल्कुल सही हूँ। ये लो तो झाड़ू और दीवार की सफाई करा मेरे साथ। बेकार ही लोग बोलते हैं कि पत्नियां अपनी गलती नहीं मानती, मैं तो अपनी गलती रोज मानती हूँ। गलती हो गई तुमसे शादी करके। नो। अपनी पत्नी से बिल्कुल भी बहस ना करे, खासकर जब वो इमोशनल हो, दुखी हो, खुश हो, भूखी हो या फिर सांस ले रही हो। पता नहीं वो कौन से हस्बैंड होते हैं जो अपनी पत्नियों को गिफ्ट देते हैं। यहाँ मेरा वाला तो लेक्चर देता है, लेक्चर, वो भी हर बात पे। गाइस, मुझे तो हैप्पी दशहरा की इतनी बधाइयाँ मिल रही हैं कि जैसे रावण को मैंने ही मारा हो। सुनो हा? आज तुम हमें जब बताओ तुमने हमते ब्याह काय करो काय करो काय करो, तुम्हारी जिंदगी झंड कर रहे हो। झंड तो हो ही रही।